सो हेलो कैप्टन ऑफ आर्म बैंड, वेलकम टू आवर टुडे शो। और आज का शो इज लाइक WTF, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन। आप लोगों का रिएक्शन, मेरा रिएक्शन, हम सब लोगों का रिएक्शन वाज सेम। और मेरे पास ये न्यूज का कोई रूमर नहीं था, कुछ नहीं था जब मार्कस ने ट्विटर में रिपोर्ट किया। दैट इज व्हेन आई न्यू दिस इज हैपनिंग। और आप लोगों को जो रिएक्शन होगा उस वक्त, मेरा भी वही हुआ था, हाउ डिड दिस हैपन। The only reason Bengaluru FC, जिसके कारण रॉय कृष्णा को छोड़ रहे थे, is Roy Krishna wanted to play again in abroad, और जितना तक मैंने सुना था, he maybe was linked with some Australian club, A League club, but आज शाम को जो हुआ, which is nothing short of a miracle, कोई झूठ नहीं बोल रहा, Odisha FC में Roy Krishna, सब छोड़ दो, analysis, transfer, सब छोड़ दो, Roy Krishna, Diego Mauricio, एक ही क्लब में, दैट टू अंडर सर्जियो लोबेरा, तबाही भाई, तबाही तबाही, बहुत भौकाल मचने वाला है। जिस टीम्स के डिफेंस अच्छे नहीं है वो लोग बहुत मार खाएंगे, बहुत, ये टीम बहुत गोल मारेगी। पिछले साल तक हम ओडिशा एफसी को पहचानते थे एज अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल टीम जो आपको हिट कर सकती है, भाई इस साल नहीं, दिस ईयर दिस इज अ टॉप हेवी टीम। और भाई मोहन बगान अगर मोस्ट प्रोलिफिक और बेस्ट अटैकिंग लाइनअप है इस लीग का, भाई सेकंड में ओडिशा एफसी है, यस दे हैव ओवरटेकन मुंबई सिटी एफसी, यस। भाई डिएगो मोरिचियो, रॉय कृष्णा कोई आसान बात नहीं है टू असेंबल, दोनों को ही वेजेस हाई है। एंड भाई ओडिशा एफसी, बिग कुडोस टू रुहान एंड ऑल दोस गाइस, दे आर शोइंग एम्बिशन, दे आर शोइंग सम रियल एम्बिशन। रॉय कृष्णा को ले आना इजी नहीं था, रॉय कृष्णा वाज अ टफ टफ डील टू क्रैक। ये डील जो उन्होंने क्रैक किया है, इससे हमें ये पता चलता है कि दे आर लुकिंग टू विन दिस ट्रॉफी। और भाई ये बंदा, ही इज अ सक्सेसफुल मैन, जहां पे भी जाता है बंदा सक्सेस लाता है, जहां पे भी जाता है। एक इजी बात कहूं, रोज हम लोग ये बात करते हैं कि भाई आप जिस स्ट्राइकर का नाम बोल रहे हो वो तो सिर्फ 50 गोल मारा है इन इस लीग। भाई ठीक है, आज नहीं बोल पाओगे। आज मैं जिस प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूं, रॉय कृष्णा आप सब पहचानते हो, 332 मैचेस खेले हैं, 175 गोल्स, 91 असिस्ट, सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में 160 गेम्स खेले हैं जिसमें 98 गोल्स, 50 असिस्ट। भाई मुझे कुछ नहीं बोलना, आई हैव रेस्ट माय केस। अगर ये बंदा आपके टीम को स्टेबिलिटी अप फ्रंट नहीं देता, कोई नहीं दे पाएगा। और ये बिग मैच प्लेयर है, जब भी सिचुएशन टफ होता है ये बंदा गोल मारता है। आगे पिछले साल भी जिस साल को कुछ लोग बोल रहे थे रॉय कृष्णा ऑफ फॉर्म में है, वहां पे उनका कितने गोल्स थे, उनके 5 गोल्स और 5 असिस्ट थे पिछले साल, जिसको उनका एक ऑफ ईयर कहा जा रहा था। उससे पिछले डूरन कप में, इन द डूरन कप ही हैज स्कोर 3 goals in 6 matches, in the Super Cup he has scored 1 goal, in the playoffs he has scored 1 goal. So, पूरा compile करो तो पिछले साल 10 goal मारे हैं, in Indian football 10 goals, foreigner or Indian or very big thing, मार दिया है. Also, उसके पहले, उनका season थोड़ा पहले शुरू हो गया था, with Mohan Bagan playing in the AFC Cup, और वहाँ पे भी उनका 1 goal और 1 assist था, तो 11 goals मारे थे. और अगर आप उनका पूरा career भी देखो ना, ये बंदा जहाँ पे जाता है, good luck लाता है, जहाँ पे मैं उनका ऑनर बोर्ड पढ़ता हूँ, ऑनर बोर्ड, क्योंकि देखो आज मैं आपको गेम प्ले के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई जो बंदा इंडियन फुटबॉल को फॉलो करता है वो रॉय कृष्णा का नाम तो जरूर जानता है। मैं एक्स्ट्रा बोल के कुछ ज्ञानी खुद को प्रूफ नहीं करूंगा, क्योंकि देखो 4 बार वो टॉप गोल स्कोरर रहे हैं, ISL में 2 बार, 2021 और 2019-20 के सीजन में कॉन्सिक्यूटिव 2 सीजन ही वॉज द टॉप गोल स्कोरर। उसके बाद 2018-19 के सीजन में इन द ऑस्ट्रेलियन लीग, वहां पे ही वॉज द टॉप गोल स्कोरर। और ASB प्रीमियरशिप जो लोअर लीग है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे भी उन्होंने 19 गोल मार के 12-13 साल में, तो 12-13 को अगर हटा भी दो, 18-19, 19-20, 20-21, 3 कंसेक्यूटिव इयर्स ही वाज द टॉप स्कोरर ऑफ ISL एंड ए लीग। भाई ये बंदा अगर ओडिशा एफसी में चल जाता है ना, बाकी टीम्स को मैं यहीं पे बोल देता हूँ, डिफेंस मजबूत कर लो, बहुत मार पड़ेगी, बिकॉज डिएगो मोरिचियो, और सबसे बड़ी बात है रॉय कृष्णा कैन प्ले एज अ डुओ। देखो डिएगो मोरिचियो लोन स्ट्राइकर खेलते थे, बट रॉय कृष्णा मोहन बगान के लिए, ATK मोहन बगान बोलना बेटर होगा, ATK मोहन बगान तब ATK था, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिडंट वॉच देम बैक देन। सो ATK मोहन बगान जो था, बट अगेन वॉच्ड अ फ्यू मैचेस ऑलरेडी, झूठ नहीं बोलूंगा, आई हैव वॉच्ड सम मैचेस, एंड इन दो सम मैचेस वो उनका और डेविड विलियम्स का पार्टनरशिप से हमें ये तो जरूर पता चलता है कि ही नोज हाउ टू प्ले विद पार्टनर्स। और उसका प्राइम एग्जाम्पल एक दे दू, उसका प्राइम एग्जाम्पल है डिएगो मोरिचियो को, अगर नंबर 9 भी खेले, प्रॉपर पोचर नंबर 9, ही विल प्ले एज द लिंक अप स्ट्राइकर। और भाई लिंक अप स्ट्राइकर में ये बंदा बहुत अच्छा चलेगा, पिछले साल 5 गोल्स भी करवाए हैं। और अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ ही इज अ ट्रॉफी विनर, जब वो माइनर प्रीमियरशिप खेलते थे, जो छोटा लीग होता है, इन द
न्यूजीलैंड, वहां पे 5 बार के चैंपियन है। न्यूजीलैंड का जो नेशनल चैंपियनशिप है वहां के 6 बार के चैंपियन है, 6 times. चैरिटी कप जो है उस 2 बार जीते, इंडियन सुपर लीग 1 बार जीते, वो भी छोड़ दो डूरन कप 1 बार जीते। ये बंदा जहां पे जाता है 5, 5, 10, 12, 13, 14 trophies फॉर अ पर्सन। देखो उम्र तो है, उम्र दराज है प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ही इज 35 years old। ये सोच समझ के ही ओडिशा एफसी लाई थी टीम में, दे नो ही इज 35 years old, इसमें तो कोई झूठ की बात नहीं है। सो रॉय कृष्णा जो एटीके या एटीके मोहन बागान के लिए जो पेस दिखाता था, जो स्पीड दिखाता था, अब वो नहीं दिखाएगा, दे नो इट ऑल्सो। बट अगेन कुछ क्वालिटीज तो रही जाते प्लेयर में, उनका हेडिंग रहेगा, उनका फिनिशिंग रहेगा, क्लच मैचेस में गोल करना रहेगा, और अगर आप उनको प्रॉपर रेस्ट दो, वो कुछ कुछ मैचेस में अपने पुराना पेस और वो जो स्टेल्थ पेस, जिसको हम बंगाली में चोरागोती का वर्ड देते हैं, जिसका मतलब है स्टेल्थ पेस, वो भी वो यूज कर सकता है। एंड ऑल्सो ही इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, बट ही इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ द प्लेयर्स इन द नंबर 9 पोजीशन। सो इस प्लेयर के बारे में मैं जितना प्रेस करूं उतना कम है। सो देखते हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हो, सो एक कमेंट ले ही लूं। सो मैनोलो, हाँ मैं जानता हूँ, बट आज का वीडियो उत्कर्ष, वी विल टॉक अबाउट ओडिशा एफसी, भाई बहुत बड़ा काम किया है, दे डिजर्व टू गेट द प्रेस टुडे। बट अगेन मैनोलो वाला न्यूज भी जब आएगा, आई विल एब्सोल्युटली डू, एंड वेरी बिग कुडोस टू मैनोलो फॉर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सो अर्ली इवन आफ्टर कमिंग आफ्टर द जेट लैग ब्रो, आफ्टर इंक्लूडिंग रॉय कृष्णा सीए, आई डेफिनेटली थिंक आईएसएल फाइनल। देखो आईएसएल फाइनल बोल सकते हो, बट अगेन मैं किसी एक टीम का नाम नहीं लूंगा, मैं ये साय कृष्णा को भी रोज बोलता हूँ, एक टीम का नाम मत लो बिकॉज समथिंग कैन हैपन, बट अगेन दे आर सीरियस कंटेंडर्स, जेन्युइन कंटेंडर्स है। सो गाइज वेरी बिग कांग्रेचुलेशन ओडिशा, हाई ब्रो अप्रिशिएट ओवर, थैंक यू मिस्टीरियस फैक्ट्स, ऐसे ही बने रहो, जितना मेरा ये चैनल है आप लोगों का हर एक का उतना ही चैनल है। सो आपका चैनल है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर लगता है कि दिस वीडियो इज गुड शेयर भी कर दो, क्या बात है। सो अनएक्सपेक्टेड, यस इट्स अनएक्सपेक्टेड, दूसरा वर्ड मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि YouTube आप जानते हो दे एक्चुअली कैंसिल दोस एंड दे मेक प्रॉब्लम्स। सो अनएक्सपेक्टेड एब्सोल्युटली प्रीतम, टोटली अग्री, अनएक्सपेक्टेड साइनिंग, यस ईशान टू एफसी, कम चांसेस है, केरला ब्लास्टर्स आर देयर इन इट रोहन, सो नॉट, बट अगेन आज खुश हो जाओ भाई, आज और कुछ बारे में बात मत करो, टुडे बी हैप्पी विद रॉय कृष्णा भाई, यू गेट द हिस्टोरिकली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन आईएसएल हिस्ट्री, बाकी कुछ न्यूज आज मत मांगो भाई। फॉर्मेशन व्हाट होगा एंड सीएम क्या हो सकता है, भाई सीएम हो चुका है, एडू गार्सिया इज कमिंग, मैं जानता हूँ कुछ टाइम लग रहा है, बट एडू गार्सिया इज एब्सोल्युटली कमिंग, डरने की कोई बात नहीं है, और शायद मुझे जो लगता है ये टीम इस साल थोड़ा सा कुछ अलग फॉर्मेशन खेलेगी, मे बी दे विल प्ले टू इन अ 4-2-3-1, दिस कैन बी अ फॉर्मेशन, अदरवाइज वो प्रॉपर 4-4-2 फॉर्मेशन में खेलेगी, द प्रॉपर 4-4-2 और 3-5-2 भी खेल सकती है, क्योंकि देखो जो द फर्स्ट प्लेयर दे बॉट वॉज फ्रॉम जेरी लालिंस वाला, जो लेफ्ट विंग बैक खेल सकते हैं, सो 3-5-2 का फॉर्मेशन शायद हो सकता है विद टू सेंटर बैक, जहां पे हमें दोनों देखने को मिल जाए, समझ लेगा कार्लोस डेलगाडो मुर्तजा या किसी एक को भी मिल जाए, 3-5-2 या 4-2-3-1, बट मुझे लगता है दो स्ट्राइकर्स एक साथ खेलेंगे, क्योंकि रॉय कृष्णा को आप बेंच पे अगर बिठाते हो, रॉय कृष्णा नहीं आता, डिएगो मॉरिशो बेंच में नहीं बैठने वाला भाई, गोल्डन बूट विनर ऐसे का, ही इज नॉट सिटिंग ऑन द बेंच एब्सोल्युटली। रोहिणी अपडेट ऑफ एफसी का लास्ट फॉरेन प्लेयर, भाई जब होगा मोहम्मद मैं जरूर दूंगा, बट राइट नाउ देयर आर नो रूमर्स, पाउलो रेत्रे वाज द लास्ट साइनिंग, इंडियन साइनिंग्स एक या दो अगर होते हैं होगा, बट अगेन आज मैं ओडिशा का बात कर लू, एफसी को आके वीडियो में जरूर बात करेंगे, कल आ जाना, कल दोपहर के वीडियो में पूछ लेना, वहां पे मैं आंसर दे दूंगा, जिस क्लब का भी करता हूं मैं लिंक को खोज के ट्विटर में देख लूंगा, एंड आई विल एब्सोल्युटली मेक अ न्यूज अबाउट एफसी गोवा, आ जाना जिस क्लब भी वीडियो करो, एब्सोल्युटली लोबेरा स्पूल ग्रेटर देन यूनाइटेड स्पूल, भाई यूनाइटेड फैंस डिसएग्री करेंगे, बट आई थिंक यस मॉरिशियो रॉय कृष्णा विद जाहू विल बी स्केरी, भाई सिर्फ जाहू, मुर्तजा फॉल, एडू गार्सिया, कार्लोस डेलगाडो, मॉरिशियो, रॉय कृष्णा, अगर मुझे कहो तो दिस इज द मोस्ट एम्बिशियस सिक्स, इवन बेटर देन अदर क्लब्स, कुछ क्लब्स के पास, हर एक टीम के पास एक या दो या तीन, एटलीस्ट 4 अच्छे फॉरेनर्स होते हैं, भाई इस टीम के पास 6 अच्छे फॉरेनर्स है, दे हैव अ प्रॉपर टीम, दे शुड एब्सोल्युटली क्वालिफाई विद इन द टॉप 4 and also go on to play in the finals or something like that. Bro, how this team in the second? Deadly, bhai. Deadly. According to you, who will be the top 3 clubs in this year? ISL, Mohun Bagan, Mumbai City FC, aur bhai, bahut tagra fight hone wala hai between Odisha and FC Goa. Inhi mein se koi top 3 hoga. Kyunki Kerala ka naam leta hai, but bhai, bahut sare players sell kar diye. They will not be there. Bro, North East almost deal to sign. Bhai, aap log bol rahe ho, and I totally listening, but mere paas कोई न्यूज नहीं आ रहा है इन दिस रिगार्ड, जब भी आएगा मैं करूंगा, क्योंकि कोई टॉप सोर्सेस ये बात नहीं कह रहा है, एंड आई डोंट वांट टू मेक फॉल्स रूमर्स वाला न्यूज, तो थोड़ा सा कंक्रीट हो जाए मैं जरूर वीडियो लाऊंगा एफसी गोवा नॉर्थ ईस्ट सबके बारे में, मुंबई सिटी, ओडिशा, मोहन बगान,
दिस ईयर इज स्कैरी भाई, एब्सोल्युटली भाई, एफसीक्वा का नाम मत भूलो, एफसीक्वा आल्सो इज अ डेंजरस डेंजरस स्क्वाड, सो एफसीक्वा के ऊपर भी एक नजर रखना है। जमशेदपुर के फॉरेन साइनिंग्स आने वाले हैं, दिस ईयर द आईएसएल विल बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव आईएसएल इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट। इफ ओगबेचे कम्स टू एनएफसी व्हाट विल योर परफॉर्मेंस इज दिस टू ओल्ड। देखो ओगबेचे, देखो ओगबेचे वाला चीज आप रॉय कृष्णा के बारे में भी बोल सकते हो, रॉय कृष्णा इज ऑल्सो समथिंग लाइक अ 20, इज अ 35 ईयर ओल्ड, सेम विद ओगबेचे, इज 38-39। सो इन प्लेयर्स के ऊपर रॉय कृष्णा ही बोलो, ओगबेचे बोलो, इनसे आप बहुत ज्यादा पेस, एथलेटिज्म ये सब एक्सपेक्ट मत करो। जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है दे कैन स्कोर गोल्स, दे कैन फिनिश, प्रेशर सिचुएशन में टीम को हैंडल करना और टीम को ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप देना, दे आर एब्सोल्युटली बेस्ट एट इट, और वही काम उनको करने दो। सो भाई जेरी वीडियो भाई, फुटबॉल ओडिशा भाई इतना कितना डिमांड कर रहे हो, आज ही तो हुआ है रॉय कृष्णा वाला वीडियो, कर दिया है रॉय कृष्णा, जेरी भी लेके आऊंगा, टाइम दे दो थोड़ा सा। क्या है भाई, एक बार में आपको अच्छा लगता अगर मैं दो ट्रांसफर न्यूज कर देता, आप एक वीडियो आपको कम मिलता आपके क्लब के लिए, भाई करने दो, टाइम दे दो थोड़ा सा। सो एनयूसी साइन न्यू एलबी, हाउ इज ही, कौन सा दिनेश वाला बोल रहे हो क्या? दिनेश हाइब्रिड एलबी है भाई, दिनेश अगर हाइब्रिड एलबी है, दिनेश इज अ वेरी गुड एलबी, ऐसे अगर बोलो भाई। एडू नहीं आ सकता ना, एफसी साइनिंग नीड है। देखो एडू के साथ तो बहुत कॉन्क्रीट न्यूज था ना, सो एडू अगर आएगा तो अच्छा होगा, अगर एडू नहीं आ सकता देन दे विल हैव टू गो इन द एशियन मार्केट टू बाय अ सेंट्रल मिडफील्डर, वो कौन होगा हमें देखना पड़ेगा। बट अगेन आप सब वो बात बारे में मत सोचो। देखो रॉय कृष्ण एएफसी साइनिंग नहीं है, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई रॉय कृष्ण एएफसी साइनिंग है, शायद नहीं क्योंकि ओशनिया में आते हैं। सो इतना तो मैं जानता हूँ भाई इस ट्रांसफर मार्केट न्यूज के लिए, योर चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू शुभजीत, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एडू गार्सिया इज नॉट कमिंग कन्फर्म, अगर कन्फर्म कर ही दिया है, और बहुत इसलिए मैं रात को आता हूँ और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना ऑल हर एक न्यूज नहीं होता, क्योंकि ऐसे एक स्टैट्स है, एक दो स्टैट्स मिस हो जाते हैं, एंड यू गाइज आर द वन हु गिव मी दिस स्टैट। फॉर एग्जांपल ये एडू गार्सिया वाला, ये मैंने देखा ही नहीं था, यू गाइज आर देयर, दैट्स व्हाई यू गाइज आर हेल्पिंग मी। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पॉडकास्ट ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान देता हूँ आप ज्ञान सुनते हो, ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप लोग मुझे बोलते हो, आई लिसन, जो मुझे लगता है मैं बोलता हूँ, इसलिए एक ही चीज बोल रहा हूँ गाइज, फैमिली है विन डीजल के वॉइस में। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक मार दो। सो ब्रो नॉर्थ ईस्ट, भाई नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ न्यूज मिल जाए मैं जरूर करूंगा, जरूर, एंड अबाउट नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मेशन तब कर लेंगे भाई, राइट नाउ आई डोंट नो। हाउ मेनी टीम्स योर फेवरेट कंटेंट फॉर टॉप फोर? कंटेंशन में तो चार टीम्स है, मोहन बगान, मुंबई सिटी एफसी, ओडिशा एफसी और देयर इज एफसी गोवा, टॉप फोर कोई डाउट नहीं है। एनएससी का प्रीसीजन कब? भाई प्रीसीजन स्टार्ट हो चुका है, जूनियर प्लेयर्स और फ्रिंज प्लेयर्स कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स भी आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर जाओ थोड़ा सा। फॉर्मर इंटर मिलान प्लेयर एलन स्टेवानोविच, भाई मैंने वीडियो कर दिया है उस दोपहर को, देख लेना, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने देखा, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर कमिंग। हु इज चेन्नई एफसी फॉरेन मिडफील्डर? भाई कोई न्यूज आ जाने दो, न्यूज आने दो और मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। मेरे पास जब भी न्यूज आता है आप लोग मुझे ये कंप्लेन कर नहीं पाओगे, जिस भी टीम का जब भी न्यूज आता है एब्सोल्युटली कम, इसमें मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता, एंड आई विल नॉट डू। सो अगर मेरे पास न्यूज आएगा आकाश, आई विल एब्सोल्युटली कम विद सीएफसी फॉरेन मिडफील्डर साइनिंग। एक रूमर तो है 10 करोड़ वाला, बट मुझे वो सच नहीं लग रहा फॉर सम रीजंस। एनी एफसी न्यूज, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी न्यूज? मार्क नो, आई विल नॉट लाइक, आई डोंट हैव एनी नॉर्थ ईस्ट एफसी न्यूज। कल दोपहर को आना, आप उत्कर्ष का क्वेश्चन है, आपका मार्क आपका क्वेश्चन है, आई विल सर्च इन द ट्विटर स्पेसेस और जो मेरे कॉन्टेक्ट है मैं उसको पूछ लूंगा, अगर मेरे को कुछ मिलता है, अगेन इट्स ऑल ट्विटर, सो देखते हैं। Hopefully, I will get some news and give you tomorrow. क्योंकि आज right now मेरे पास है नहीं। Can FC go for Ortiz? जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। As long as you have Alvaro, भाई Alvaro और Fares को छोड़ो, फिर बाकी transfer के बारे में signing के बारे में सोचना। तो guys, आज रात के लिए इतना ही। Thank you everyone for coming to our show. बहुत खुश होता हूँ मैं आप लोग जब आते हो। दोपहर को भी आए थे, आज दोपहर का वीडियो बम्पर वीडियो था इस वीडियो में भी, एंड आई एब्सोल्युटली लाइक दिस। दो कमेंट आई है, इतना रात हो ही गया है और दो कमेंट ले ही लेते हैं। By the only thing is Roy alone could not be lethal anymore, and that is why can't imagine a Roy Krishna, can't imagine a Mauricio Krishna duo. Absolutely भाई, absolutely। और ये एक रीजन हो भी सकता है, इसलिए वो रॉय को ला रहा है कि he wants to be the link up player, क्योंकि duo में हर एक स्ट्राइकर कंफर्टेबल नहीं होता, बट रॉय कृष्णा नोज हाउ टू प्ले। दिनेश नहीं, थांगलुंग सामते आज ही साइन हुआ है, वो वीडियो कल ले आओ उस वीडियो को, क्योंकि मैंने ये न्यूज अब तक नहीं देखा भाई, नहीं फॉलो किया, सो मुझे देखना पड़ेगा। व्हाट अबाउट फारेज भाई, छोड़ना पड़ेगा, आई डोंट नो कहाँ पे छोड़े, बट दे हैव टू सेल हिम। भाई ओडिशा इंडियन साइनिंग कुछ रूमर है क्या? भाई कल ही तो साइन किया जेरी लालिंस वाला, कल ही साइनिंग हुए हैं, सो वेट कर जाओ, और भी साइनिंग्स आने वाले हैं।
भाई अकॉर्डिंग टू यू हु इज द आईएसएल ऑल टाइम बेस्ट फॉरेन प्लेयर, मैं बोलू बोरा फर्नांडिस, एटीके के लिए खेलते थे पहले 3 सीजन, उससे अच्छा प्लेयर शायद इंडिया में करंट प्लेयर। देखो आईएसएल का ऑल टाइम बेस्ट फॉरेन प्लेयर अगर मैं सीवी देख के बोलू सीवी, तो भाई एक ही नाम आता है मेरे मुंह में, द ओनली नेम इज अलेहांद्रो नेस्ता। भाई कितने नाम बोलू, मार्को मातराज़्ज़ी, अलेसांद्रो डेल पियरो, कितने नाम बोलू, ये सब लोग खेल चुके हैं, रॉबर्ट पीरेज, जीको कोच थे, लुई गार्सिया थे, बट अगर सिर्फ क्वालिटी ऑफ यहाँ लीग में खेलने का बोलो, बोरा फर्नांडिस, सीडीएम है, लोग नाम नहीं लेते, टॉप टॉप प्लेयर। भाई हैदराबाद ऐसी ट्रांसफर साइनिंग, भाई मेरे पास हैदराबाद का ना नोल्स मोया के अलावा और कोई न्यूज विघ्नेश दक्षिणामूर्ति के अलावा मार्केट में है नहीं, सो हाउ विल आई गेट यू द न्यूज राहुल, बट राहुल आई प्रॉमिस यू हर रात को आते हो, मैं देखता हूँ, आई विल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मेक वीडियोज जब भी मेरे पास हैदराबाद का रूमर आएगा, बहुत सारे रूमर्स अब आना चालू हो गए हैं, सो वेट कर जाओ, आई विल एब्सोल्युटली डू रूमर्स ऑफ एचएफसी, ईशान पंडिता एंड लिस्टन। बहुत मुश्किल है, देखो अगर लिस्टन कहीं जाता है दैट विल बी ओडिशा एफसी, एंड ओडिशा एफसी को मोहन बगान छोड़ना नहीं चाहती। रॉबर्टो कार्लोस नेस्ता, कितने नाम बोलू भाई, कुछ नाम तो मैं खुद भूल गया हूँ, सो वैसी कोई बात नहीं है, थैंक यू फॉर कमिंग। भाई मेरे बाल बहुत बढ़ चुके हैं, जब भी वीडियो करते हो बाल आके फेस पे गिर जाता है। सो अगेन गाइज आज के लिए इतना ही, भाई आशिक टू एफसी नो 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 आदि है। सो गाइज आज के लिए टाटा, कल दोपहर को फिर से 4 बजे रेगुलर टाइमिंग्स आ जाना, बात करेंगे विद सम ट्रांसफर न्यूज। राहुल मैंने वीडियो देखा भाई कुछ दिन पहले, आप रॉय कृष्णा इंडिया में है नहीं है बोला, हाँ बोला, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने यही बोला कि मैं जानता था कि वो बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लब के साथ लिंक भी थे, और सब सबने सब टॉप सोर्सेस ने यही कहा बेंगलुरु से उनको रखना चाहती थी, ही ओनली हिमसेल्फ वांटेड टू गो, तो अब क्या गुल खिलाया है सर्जियो लोबेरा ने, सिर्फ सर्जियो लोबेरा ही जाने। बट गाइस आज के लिए इतना ही, और फिर भाई आज ही अगर सब बात कर लूं तो कल किसके बारे में बात करेंगे, कल आओ दोपहर को, बहुत गप्पे शप्पे मारेंगे, ट्रांसफर न्यूज भी डिस्कस करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ये चीज मत भूलो। सो गाइस टाटा।